एक तो पाकिस्तान के मौकफ की ताईद हुई है, इसको लेकर पाकिस्तान की अप्रोच अब क्या होनी चाहिए और खित्ता जो है उसकी अप्रोच अब क्या होगी? बहुत शुक्रिया जी। ये जो आज इंकशाफात सामने आए हैं, मैं समझता हूँ कि एक एस्पेक्ट जो है उसका वो ये है कि ये बहुत ही तशवीशनाक है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जिस तरह आपने भी हवाला दिया कि पाकिस्तान का मौकिफ जो है वो इलाकाई और आलमी सतह पे वो सराहा भी गया है और उसके उसको माना भी गया है। तो लेकिन जो सबसे अहम बात है इस पूरी डेवलपमेंट में वो ये है कि अफगानिस्तान को अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, बल्कि आलमी ताकतें जो हैं अमेरिका, रूस, चीन, वो भी अब एक आलमी अमन और सलामती के लिए एक बड़ा खतरा गर्दानती हैं। तो अब होगा ये कि मैं मुझे तश्वीश ये है कि अब दोबारा से अफगानिस्तान जो है वो एक आलमी सतह पे एक बड़ा सलामती का मसला समझा जाएगा और उसके हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो उसके तमाम हमसाया ममालिक हैं, ईरान, चीन, सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स, उसके अलावा रूस और अमेरिका की तब्दीली में की भी पॉलिसी में मैं एक वाज़े तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा सैयद साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ सरमायाकारी हो रही है वो चीन की तरफ से हो रही है, रूस की तरफ से हो रही है, ईरान की तरफ से हो रही है और कुछ तुर्की की तरफ से। पाकिस्तान तो खैर पहले दिन से ये कोशिश कर रहा है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान को वो 9/11 से पहले वाला अफगानिस्तान ना बनाएं। ये जो ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं, क्या इनका असर रसूख भी तालिबान पर नहीं है या नाकाम रहे हैं कि इनको बाज रख सकें और जो वहाँ तंजीमें मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें आलमी सतह की जो नून हैं वो काम ना करें, क्या उनको हम कायल नहीं कर सके या उनकी कोई मजबूरी है या वो इसको बतौर हथियार के इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हमसायों के खिलाफ? मैं समझता हूँ जो तीनों बातें आपने की उन तीनों में किसी हद तक सदाकत और हकीकत है, बल्कि एक चौथा पहलू भी है जी। वो ये है कि देखें, ये एक तकलीफ हकीकत है कि पिछले 2 साल का जो अरसा गुजरा है जिसमें अफगान तालिबान को इकतदार हासिल हुआ जी। उसमें उन्होंने जो आलमी बरादरी से दोहा कौड़, पाकिस्तान और दीगर ताकतों से जो अपनी कमिटमेंट्स की थी, मुआहदे किए थे और जो वादे किए थे, बदकिस्मती से उन्होंने वो पूरे नहीं किए। और मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने जितनी फराखदली का और दरिया दली का और खैर सगाली का यानी कि मुजाहरा किया था, बदकिस्मती से अफगान तालिबान की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो अब जो हमारी तवक्कुआत थी वो एक तशवीश में बदल चुकी हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस, यानी कि जो वहाँ पे मुसलसल अफगानिस्तान से BLA और TTP की जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वो डिलिबरेट भी हैं और उनको तावुन भी हासिल है। बल्कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है इसी हवाले से वो ये है कि बाज़ इतलात के मुताबिक अलकायदा से भी मुशावरत और मदद किसी हद तक अफगान तालिबान ले रही हैं और अफगानिस्तान में तकरीबन 6,000 के करीब दाइश के जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, सेंट्रल एशिया की रिपब्लिक्स, ईरान, बल्कि अमेरिका और रूस को भी बहुत तशवीश है कि अफगानिस्तान न सिर्फ ये कि दोबारा से दहशतगर्दी का एक गढ़ बन चुका है बल्कि इसके नतायज जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान या इस खत्ते नहीं बल्कि शायद दीगर खत्तों पर भी की सलामती पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। तो अब इसको देखने के मैं मुख्तसरन बताऊंगा 4 पहलू हैं। पहला पहलू तो जो है वो ये है कि इस चूंकि अफगान तालिबान ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की हैं, इसलिए उनको बैनुल अक्वामी बरादरी सिफारती तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती है। अच्छा, कता कलामी माफ़, तालिबान
हुकूमत और तालिबान जो कायदीन हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो जब अव्वल तो हमें इक्तदार उस तरह से मुंतकिल ही नहीं किया गया, चाहिए ये था कि अमेरिका हमारे हवाले करके जाता और हम तमाम जिम्मेदारियां निभाते, ऐसा नहीं हुआ। वो तो अशरफ गनी को बिठाने पर थे, वो भाग गए तो हमने खिलाफ पुर किया, लेकिन आलमी बिरादरी ने ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की कि हमें तस्लीम नहीं किया, हमारे असासे मुंजमद कर दिए गए, हमारे लिए मुख्तलिफ किस्म की सेंक्शन जो इन्होंने ख़त्म करनी थी वो नहीं की। उनके आर्गुमेंट ये है कि आलमी बिरादरी ने और ख़ासतौर पर अमरीका ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और हम मजबूर हैं इन तनजीमों के सामने, और हम हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि बैक वक्त सारी तनजीमों से लड़ाई लें। देखिए, इसमें दोनों मामलों में किसी हद तक हकीकत है, ये बात सही है, लेकिन जो तारीख, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुझसे बेहतर, तारीख का सबक ये है कि आलमी ताकतें और एक छोटे ममालिक के दरमियान जो भी मुआहदे या ताल्लुकात होते हैं वो बराबरी की सतह पे तवक्को तो होती है लेकिन हकीकत में नहीं होते, ये बात तो ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेटली ये बात है कि उनके असासे मुंजमद हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और उनको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो कंडीशन है उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ताकतें खुसूसन अमेरिका वगैरह ने एक लीवरेज के तौर पे, एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे रखा था कि अगर ये अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे तो बतदरीज, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, रूस और चीन भी ये तवक्को थी, बल्कि मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स का पार्ट भी रहा हूँ पिछले चंद सालों में जिसमें रूस और चीन की कोशिश थी कि एक रीजनल अप्रोच डेवलप की जाए कि अमेरिका के इंखला के बाद इन ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान की मदद की जाए, उसको डेवलप किया जाए, स्टेबल किया जाए, लेकिन इन तमाम ममालिक की मुश्तरका तौर पे ये एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस अफगान टेरिटरी को किसी दहशतगर्द तंजीम को जगह नहीं देंगे और किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन का आपने हवाला दिया, देखिए चीन को भी ये तश्वीश है कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं, दाइश के हवाले से रूस को, चीन को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को भी तश्वीश है, टीटीपी और बीले के हवाले से हमें तश्वीश है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये अफगानिस्तान की सूरतेहाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए तश्वीश का बायस नहीं है बल्कि वहां पे ऐसी तंजीमें अपनी जगह बना चुकी हैं जिनसे सरफे नजर भी किया है और अब बाज लेटेस्ट इत्तला के मुताबिक शायद अफगान तालिबान उसे ताबुन भी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो नुकता है अली साहब यही मैं आपकी तरफ आ रहा था कि अफगानिस्तान की अगर हम आबादी की कॉम्पोजिशन देखें, बड़ी तादाद में पश्तून है, फिर दूसरा नंबर ताजिक का है, फिर उसमें हज़ारा भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो शायद पसंद नहीं करता जो मोड ऑफ गवर्नेंस है तालिबान का, उसको भी, इवन गर्ल्स एजुकेशन देख लें उसमें भी आए दिन जो ताजिक कम्यूनिटी है वो आवाज़ उठाती है, और जो आप ये कह रहे हैं कि इन तंजीमों को वो तावन भी इसलिए करें कि उसकी किसी हद तक मजबूरी है, तो क्या ये खदशा मौजूद है कि जो पाकिस्तान का मौकफ़ रहा टीटीपी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें या उन्हें इन सरगर्मियों से रोकें, और इसलिए अफगान तालिबान हुकूमत ने तावुन नहीं किया कि उनको ये लगता है कि ये कहीं किसी और के हत्थे ना लग जाएं और हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हों? जी बिल्कुल, मैं इसका थोड़ा सा जामे अंदाज में मजमू तजिया कर देता हूँ। देखिए, एक जानब उनके पास बारगेन क्या हो रहा है, एक जानब डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है और दूसरी जाने पलड़े में तीन चीजें हैं, सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं, एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और साथ ही साथ उनकी कुछ सोशल कमिटमेंट्स भी हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं आलमी बरादरी की कि अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे, ख्वातीन को, बच्चों को मेन स्ट्रीम करेंगे। तो दूसरे पलड़े में जो तीनों चीजें हैं के सिक्योरिटी कमिटमेंट के अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी।